नुकसान पे नुकसान। अरे कहाँ हो तुम लोग? साला ये तो नक्शा ही पलट गया। कहा तो हम मिल बंद करके उस जमीन पर 7-स्टार होटल डालने की सोच रहे थे, और कहा ये सरकारी नोटिस आ गया। अगर घाटा ही घाटा है तो सिक यूनिट करके सरकार खुद मिल पर कब्जा कर लेगी। मैं तो अभी बोलता हूँ वर्करों को बोनस वोनस दे के मिल को शुरू कर लो, वरना एक्साइज चोरी और इम्पोर्ट लाइसेंस के जरिए जो भी कमाते थे हाथ से जाएगा। अरे काहे को दे दे बोनस? 2400 वर्करों को पिछले 6 साल से बोनस नहीं दिया है, अंदाजा है तुम्हें कितना रुपया देना पड़ेगा? बिहारी अंकल, मेरे हिसाब से तो बचने का यही तरीका है, जिससे मिल भी बची रहे और गरीब वर्करों की दुआएं भी मिले। तो क्या हमने गरीबों का ठेका लिया है? अपनी तो भाई जी एकदम साफ पॉलिसी है, 10,000 गरीबों को मारो और 1 अनाथ आश्रम को चंदा दे दो और बन जाओ दानवीर। बिल्कुल ठीक। हम अमीर इसलिए हैं क्योंकि हमें गरीबों को गरीब बनाए रखने की टेक्निक आती है। बिल्कुल सही है। मैं तो कहूँ कि मिल को आग लगा दो, ना बोनस देना पड़ेगा ना कब्जा। लो आ गए सिंघाल अंकल। सर आज 11 बजे की मीटिंग आपकी मिस्टर दिग्विजय। और सर आज कल चौपड़ा में है। प्रणाम सिंघाल साहब, आइए बैठिए। व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या बातचीत चल रही है? आप तो ऐसे मजे में है सिंघाल साहब जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे इस नोटिस में सिर्फ 8 दिन का वक्त दिया है, 8 दिन का। देखिए अगर ये सोने जैसी जमीन सरकार के हाथ में चली गई तो आपका 7-स्टार खोल के करोड़ों कमाने का सपना सपना ही रह जाएगा। मेरे सपने हमेशा सच हुए हैं जालान, तुम बेकार की फिक्र मत करो। जरा रवि को आ जाने दो, सारी मुश्किलें चुटकियों में आसान हो जाएंगी। मगर जमाई बाबू हैं कहाँ? वो आए क्यों नहीं इस मीटिंग में? वो दिल्ली गया है एक मिनिस्टर के बेटे का केस लड़ने हाई कोर्ट में। मिस्टर रवि, इससे पहले वो कितनी मासूम लड़कियों के साथ इस तरह का घिनौना खेल खेल चुका है, क्या वो मिनिस्टर का बेटा इसके लिए बच जाएगा? मिस्टर रवि, गुड मॉर्निंग मिस्टर रवि, मेरे बेटे ने रेप किया है। अगर ये सच है तो मैं इसे झूठ साबित कर दूंगा। ताजुब की बात है जज साहब कि इंडियन पिनल कोड में अगर खून की दफा 302 है तो बलात्कार करने वाले की दफा उसके आसपास 301 या 303 क्यों नहीं? क्यों बलात्कार करने वाले को दफा 310 दी गई है, जो मामूली जेब काटने या डराने धमकाने जैसे जुर्म के काबिल है? इसका नतीजा यह है जज साहब कि बलात्कार करने वाले को सिर्फ 7 साल की सजा मिलती है। मेरा बस चलता ना जज साहब तो मैं बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा दिलवाता, फांसी की। सर रवि वर्मा आपके बेटे का केस लड़ रहा है कि उनके खिलाफ? लेकिन बड़े दुख की बात है जज साहब कि बलात्कार का शिकार होने वाली बाइज्जत और बेकसूर लड़कियों को अक्सर कानून से न्याय नहीं मिलता, और वो इसलिए मिलौट क्योंकि मिस रागनी जैसी औरतें बलात्कार के लफ्ज को हथियार की तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। और इन औरतों की वजह से जब भी कोई लड़की सचमुच की फरियाद लेकर आती है तब भी कोई उस पर यकीन नहीं करता। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मिस्टर रवि तो मेरे मुवक्किल के दावे को ही झूठा ठहरा रहे हैं, जबकि मैं 3-3 गवाह पेश कर चुका हूँ जिन्होंने मिस रागिनी को बुरे हाल में मिस्टर विजय के कमरे से निकलते हुए देखा है। लगता है कि मेरे काबिल दोस्त ने उन लड़कियों के बारे में नहीं सुना है जो खुद अपने हाथ से अपने कपड़े फाड़ कर चीखती चिल्लाती तमाशा खड़ा कर देती। ऑब्जेक्शन, ये तो सरासर झूठी तोहमत है। झूठ सच का फैसला अगर आप करेंगे मिस्टर प्रोसिक्यूटर तो फिर जज साहब की क्या जरूरत है? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जिन 3 गवाहों का जिक्र मेरे काबिल दोस्त कर रहे हैं, यानी कि होटल ब्लू मून के रिसेप्शनिस्ट, वेटर और गेटमैन, मैं चाहूंगा कि उन 3 को लाकर कटघरे में खड़ा कर दें, क्योंकि अब तक उन्होंने अदालत को सिर्फ उतना ही बताया है जितना उनसे पूछा गया। उन लोगों ने अदालत को यह नहीं बताया कि उन्होंने मिस रागनी को उस होटल में पहले भी कई बार अलग अलग कमरों में रात बिताते हुए। ये झूठ है। कितना चार्ज करती हैं आप एक रात का मिस रागनी? 2,000, 2,500 या 3? अब बकवास की तो मैं जबान खींच लूंगी तुम्हारी। 5 लाख तो नहीं लेती होंगी तो तुमने मिस्टर विजय से डिमांड किए थे? ये बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा मिस रागनी, क्योंकि जो लड़की धंधा कर सकती है, ब्लैकमेल कर सकती है, वो खून भी कर सकती है। यू रास्कल, जस्ट शट अप। ओके, जस्ट शट अप। ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए, कोई पैसे नहीं लिए, मैंने कोई पैसे नहीं लिए। जस्ट अ मिनट मिस रागिनी, मुझे बोलने दीजिए। मिलॉर्ड, मिस्टर रवि मुकदमे को गलत टर्न दे रहे हैं। मिलॉर्ड,
ये रही मिस रागिनी के ग्राहकों की लिस्ट, जिन्होंने 2,500 रुपए देकर उसके साथ रात गुजारी है। उनमें से कई इस अदालत में भी मौजूद है। आपने झूठे गवाह पैदा किए। आपके 3 गवाह भी हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रिश्वत देकर आपने उनको भी अपनी ओर कर लिया होगा। आप मुझ पर बड़ा संगीन जुर्म लगा रहे हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, क्या आप ये बात साबित कर सकते हैं? आप जानते हैं कि ये साबित नहीं किया जा सकता। तो फिर आप चुपचाप अदालत की कार्यवाही को चलने दीजिए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं अप्रोच द बेंच। मिलॉर्ड, कम टू माय चैम्बर। अदालत की कार्यवाही 10 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है। एक शरीफ औरत को बाजारू औरत साबित करके आप अच्छा नहीं कर रहे मिस्टर रवि। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आपकी मिस रागिनी पर मैं एक दावा और भी ठोकूंगा, मानहानि का 10 लाख और ब्लैकमेल की सजा 3 साल की, और साथ में जुर्माना भी, और जुर्माना ना भरने की सूरत में 2 साल की सजा और बढ़ा दी जाएगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर रवि, नहीं मैं ये कहना चाहता था कि बलात्कार का ये मुकदमा अगर मैं वापस ले लूं, तो क्या आप वादा करते हैं कि रागिनी पर आप ब्लैकमेल और मानहानि का दावा दायर नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, वादा करता हूं। मिस रागिनी के वकील ने मुकदमा वापस ले लिया है, इसलिए ये अदालत मिस्टर विजय मेहता को बाइज्जत बरी कर दी है। आपने तो कमाल कर दिया मिस्टर रवि, ये रही आपकी फीस। और हाँ, वादे के मुताबिक ये 17 एकड़ के फार्म हाउस के कागजात हैं जो आपकी पत्नी के नाम है। आइंदा अपने बेटे से कहिएगा कि रेप वेप ना करे, वरना मैं अगली बार दुगनी फीस लूंगा। कर रही हो जान? तुमसे मतलब, कल आने वाले थे और आज आ रहे हो। गाड़ी से बोल रहे हो? फ्लाइट कैंसिल। डोंट टेल मी। अगली में कम से कम 2 घंटे और हैं। मैं मर जाऊंगी। मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच रहा हूं। लेकिन हाँ, इस जोश को ठंडा मत पड़ने देना। शट अप दाई। हाँ बिटिया, उनका फोन आया था, फ्लाइट कैंसिल है, कम से कम 2 घंटे और लगेंगे। अरे तो 2 घंटे तो 2 घंटे में बीत ही जाएंगे ना, और फिर पूजा बिटिया भी तो आती होगी ट्यूशन से। फिर क्या फायदा। हेलो हेलो, अब क्या कर रही हो जान? मरने की तैयारी कर रही हूँ। सोच रही हूँ पंखे से लटकूं या अपनी उंगलियां बिजली के प्लग में डालूं। अरे तुम्हारी अगली फ्लाइट का क्या हुआ? हो जाएगा हो जाएगा। जान का जान के लिए इंतजार करने का मजा ही अलग है। सब्र कर, फल मीठा ही मिलेगा। देखो दूर बैठे तुम बहुत अच्छी बातें कर लेते हो, सामने आओ तो बताऊं। अगर आ गया तो क्या कर लोगी? दबोच के पलंग पे पटक दूंगी। फिर तुम्हारी टाई खींच कर एक तरफ और तुम्हारे जूते निकाल कर एक तरफ फेंक दूंगी। फिर कस के किस लूंगी। फिर सारी बातें फोन पे करूं क्या? ओहो, फोन पर तो सिर्फ मेन्यू पूछ रहा हूँ मेरी जान,
खाना तो पलंग पे ही खाएंगे। यू रास्कल। ओए। रवि। रास्कल एट योर सर्विस मेरी जान। आई डोंट बिलीव दिस। बहुत मजा आता है ना मुझे सताने में। बहुत मजा आता है। ए। तो हो जाए। मूड नहीं है। ओए तेरी मूड की तो। अरे रे रे रे। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। मूड नहीं है। अभी बनाता हूँ तेरा मूड। तुम सांस लेती हो तो मेरा दिल धड़कता है। जान जब ये होंठ खुलते हैं तो लगता है कि तुमने मुझे चुपके से पुकारा है। ये आंखें जब जब इन आंखों को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि रिश्तों के समुंदर में डूबता जा रहा हूं। अरे छोड़ दो ना। अरे देखने तो। हेलो काजल। हेलो पापा। हाँ बेटे रवि आ गया। हाँ हाँ पापा आ गए थे। कब? हाँ काफी देर हो गई। कॉल है? हाँ बुलाती हूँ। हाँ रवि। अरे पापा का फोन है। दो ना बात करो। हाय डैड। वेलकम बेटे। फ्लाइट लेट थी क्या? हाँ डैड। अच्छा एक अर्जेंट मीटिंग आनी पड़ी। डैड ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई? तुम क्लब पहुंचो वहीं बैठकर डिस्कस करेंगे। ओके डैड वी बी देयर। डैड कह रहे थे जरूरी मीटिंग है क्लब जाना है। गेट रेडी। ओके भाई आजा आजा मेरी छोटी गुड़िया। पापा आ गए? हाँ। वी गेटिंग लेट डैड। पापा हेलो बेटे। आप कहाँ जा रहे हो? बेटा आपकी नाना जी ने बुलाया वहीं जा रहे हैं। आपके एग्जाम्स हैं बेटा। नहीं मैं भी जाऊंगी। बेटा आप डैडी के कपड़े खराब कर रहे हैं। ताई इधर आ जा बिटिया इधर आ। कम का चले इसको? जवाई राजा ये लो चरणामृत। बहुत बुरा जमाना चल रहा है। ले बिटिया तू भी ले। आप भी ताई। ताई इसको जरा बहला देना इसका कैसा मुंह उतर गया। मेरी तुम फिक्र ना करो मैंने तो तुम्हें भी बहलाया था। बाय पूजा। अच्छा ताई बाय बेटा। अब मेरी छोटी गुड़िया जूस पिएगी फिर क्या करेगी? क्या ताई आपने मम्मी को बहलाया था? हाँ जब वो नाना के घर में थी तो उन्हें भी बहलाया था। तो ताई मम्मी कैसे आई? तुम्हारे पापा के साथ शादी हो गई वो चली आई। आप यहाँ कैसे आए? मैं तुम्हारी मम्मी के साथ दहेज में आई। ताई कोई दहेज में आती है? मैं तो आई थी। भाई वाह रवि वाह। हर अखबार के पहले पन्ने पर तुम्हारे दिल्ली वाले केस की खबर छपी है। वाह आपने तो नक्शा ही बदल दिया। हमारा तो जी करता है जमाई बाबू के पांच छह क्राइम में कर ही डालूं बचाने के वास्ते आप जो हो। ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई डैडी? सन तुम खुद ही देख लो मिल के बारे में नोटिस आया है। Your husband is a magician, I tell you. अरे ये तो सिर्फ रेप केस था। बॉम्ब ब्लास्ट के केस में फंसे कई लोगों को इनके पति ने तो ऐसे निकाल लिया जैसे दूध में से मक्खी। अरे भाई रुपए पैसे भी तो इन्हीं लोगों से मिलते हैं। शरीफों की हैसियत कहाँ कि इनके पति को अफोर्ड कर सके। अरे दिल्ली वाले केस में तो उल्टा लड़की को ही प्रोस्टिट्यूट साबित कर दिया था। बेचारी रोती पिटती रही। कमाल का दिमाग पाया है तुम्हारे हस्बैंड ने। माय गॉड इसमें क्या प्रॉब्लम है डैड? पुराना नुस्खा है मिल को आग लगा दीजिए। देखा देखा मैंने भी तो यही कहा था। जली हुई मिल पे सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। घूम फिर कर जमीन आप ही की रह जाएगी। दो चार दिन चुप बैठेंगे उसके बाद सेवन स्टार होटल बनाने का परमिशन ले लेंगे। लेकिन हाँ डैडी मिल को आग लगाने से पहले इंश्योरेंस चेक कर लीजिए। अगर आपने पुराना प्रीमियम ना भरा हो तो भर लीजिए और उससे जो पैसा मिलेगा वो हमारे होटल बनाने में काम आएगा। स्टॉक के नाम पे भी हम मार्केट से अच्छा सा कर्जा उठा लेंगे वो अलग फायदा हो। हाँ लेकिन एक बात याद रखिएगा
नील पूरी तरह जलकर खाक हो जानी चाहिए। फायर ब्रिगेड मौका है वारदात पे कम से कम 3-4 घंटे के बाद पहुंचनी चाहिए। लेकिन इसमें खतरा है रवि, अगर ये आग फैल गई तो बाजू वाली बस्ती के लोग भी इसमें मारे जाएंगे। पर गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है जालान साहब, इसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं। एक्सक्यूज मी। नमस्ते सिंगाल साहब। हेलो मिस्टर रवि। पापा हम चले हैं। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बेटे। थैंक यू पापा। चलें? ओके गुड नाइट। सी यू। ओके बाय पापा। राइट बाय बेटे। लेट्स गो स्वीटहार्ट। ये नक्शा बदल कर कहां जा रहे हैं सिंगाल साहब? आज ये नहीं रुकेगा। क्यों क्यों क्यों? आज 18 जून है। 18 तारीख को क्या होगा? आज के दिन मैं बाप बना था। अच्छा। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, लव यू। ये रहा तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट। दिल्ली के पास एक खूबसूरत सा फार्म हाउस, 17 एकड़ का है। फार्म हाउस का मैं क्या करूंगी? अरे करना क्या है जान, गार्डन में दौड़ोगी, तितलियों के साथ खेलोगी। पता है ये सारी की सारी बातें मैं अकेले में तुमसे पहले भी कर चुका हूँ। मैंने यही कहा था और तुमने एग्जैक्टली यही जवाब दिया था कि मैं फार्म हाउस को क्या करूंगी। यू नो डार्लिंग, रवि क्या ये सच है? क्या यही कि तुमने एक सीधी साधी लड़की को प्रोस्टिट्यूट साबित कर दिया? ये तुमसे किसने कहा? और तुमने उस आदमी को भी बाइज्जत बरी करवा दिया जिसने बॉम्ब ब्लास्ट में कई जाने ली थी। कम है डारे, कम। मैं एक लॉयर हूं, जो केस मेरे सामने आएगा उसको तो लड़ना ही पड़ेगा ना। चाहे पता हो तुम बुरा कर रहे हो, पाप कर रहे हो। पाप पुण्य कुछ नहीं होता है जा, अपनी हैसियत के मुताबिक अपना काम करो, यही पुण्य है, यही धर्म है ना। What happened? नहीं रवि, पाप तो हर हाल में पाप ही होता है और वो सब देखता है। अगर पुण्य का इनाम वहां से मिलता है तो पाप की सजा भी वहीं से मिलती है। अच्छी बात है। हे ऊपर वाले साहब, अगर मैं कोई पाप करूं तो उसकी सजा मुझे देना। Is that all right, darling? नहीं रवि, आज के दिन तुम्हें भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो उसकी सजा मुझे ही मिले। क्यों मूड का कचरा कर रही हो? सजा तो ये कहलाती है कि मोहब्बत करने वाले को मोहब्बत की जगह भाषण दो। तुम तो मेरी जान हो, होना? मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरी मोहब्बत।
जाने कैसी मंजिल है, हम कहाँ हैं ये बताना मुश्किल है, अब हमें इन्हीं राहों पे चलना है, कुछ भी हो ये रास्ता ना बदलना है। चेहरा तेरा चेहरा सपना है मेरा, चाहूं तुझे कितना ना मुझे है पता। रात मेट्रोपोलिस मिल में भयानक आग लग गई, जिससे मिल जलकर पूरी तरह खाक हो गई। भयानक थी, सात की बस्ती और हमारे संवाददाता वहां आ पहुंचे और म्यूनिसिपल कमिश्नर सत्य प्रकाश से उन्होंने बात की, जिन्होंने कहा कि वो नहीं मानते कि ये कोई हादसा है। पेश है एक रिपोर्ट। यकीनन आग जानबूझकर लगाई गई है। ये किस बिना पर आप कह सकते हैं सर? 8 साल से मिल में घाटा दिखाया जा रहा है, 6 साल से मजदूरों को पूरी तनख्वाह नहीं मिली, ना कोई बोनस दिया गया, 4 महीने से मिल बंद है और 64 दिनों से मजदूर हड़ताल पर बैठे हैं। तब तो कोई आग नहीं लगी, मगर जिस दिन लेबर कोर्ट का नोटिस मिला कि सरकार अब इस मिल पर कब्जा कर रही है, फौरन आग लग गई। पर ये तो इत्तेफाक भी हो सकता है सर। लेकिन बार बार बुलाए जाने पर फायर ब्रिगेड 3.5 घंटे तक मौके वारदात पर नहीं पहुंची, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा, इसकी पूरी जांच करवाऊंगा और जो भी आदमी इस जान माल के नुकसान का जिम्मेदार है उसे कोर्ट में घसीट कर सख्त से सख्त सजा दिलवा। ये तो साला नक्शा ही उलट गया। गई भैंस पानी में और साथ में हमें भी ले गई। साला ये सत्यप्रकाश बड़ा ही कड़क आदमी है,
जो कहेगा वो करके दिखाएगा। तुम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो। तेल देखो और तेल की धार देखो। मैं कमिन सर। यस कमिन। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं मिस्टर सत्यप्रकाश। आप कितने ईमानदार और उसूलों के पक्के इंसान हैं ये तो सारा शहर जानता है, जबकि आपको तो सारा हिंदुस्तान जानता है मिस्टर रवि वर्मा। मतलब की बात कीजिए। ये आपकी सफाई भी बहुत मशहूर है। चलिए मतलब की बात करते हैं। मैं मेट्रोपोलिस मिल के मालिक की तरफ से आया हूं, जिस मिल को आपने सील कर दिया। मिल तो जला दी गई है और मैंने जमीन पर कब्जा ले लिया है। उस जमीन पर मेरे क्लाइंट होटल बनाना चाहते हैं, जिसकी परमिशन मैं आपसे लेने आया हूं। होटल की इमारत तो दूर की बात मिस्टर रवि वर्मा, मगर उस जमीन पर मैं आपको एक ईंट तक रखने नहीं दूंगा। तुम्हारे क्लाइंट ने सिर्फ मिल को आग नहीं लगाई बल्कि गरीबों की झोपड़ियों को फूंक दिया है। कितनी कीमती जाने गई है उसमें पता है? जी हाँ, सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मेरे क्लाइंट हर मरने वाले की फैमिली को 50,000 रुपए देने के लिए तैयार है। 50,000? ओ वाह, कितना दुर्भाग्य है मेरे देश का कि यहां 50 रुपये देकर कोई वोट खरीद लेता है, 5,000 देकर दंगे करवा सकता है, 25,000 देकर किसी का खून करवा सकता है, और अब 50,000 देकर गरीबों का मुंह बंद करवाना चाहता है। लेकिन याद रखो, मैं ये होने नहीं दूंगा। ये मुंह अदालत में चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि उनके घरों को फूंक देने वाले, उनके अपनों की हत्या करने वाले आपकी मिल के मालिक है। आपकी बात बहुत लंबी खींच रहे हैं मिस्टर सत्यप्रकाश, अपनी कीमत बोलिए। ठीक सुना है आपने, अपनी कीमत बोलिए। अभी आपने कहा कि मैं बहुत ईमानदार हूं और अभी आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। ये ईमानदारी भी बड़ी अजीब चीज होती है मिस्टर सत्यप्रकाश। एक आदमी 10,000 को ठोकर मारकर अपनी ईमानदारी बचा लेता है, लेकिन अगर वो 10,000 10 लाख में बन जाते हैं तो वो सोच में पड़ जाता है, और अगर करोड़ मिलता है तो कहता है चलो फिलहाल ले ही लेते हैं, मंदिर में 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाकर माफी मांग लेंगे और आइंदा से ईमानदार रहेंगे। तो आप बताइए, आप कितने का प्रसाद चढ़ाना चाहेंगे? यस सर। क्योंकि आप एक वकील हैं, मैं आपको रिश्वत देने के जुर्म में जेल नहीं भिजवा सकता। इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देना। गेट आउट। मिस्टर सत्यप्रकाश, चूंकि मैं एक वकील हूं, राय देने की फीस लेता हूं, मगर आपको मैं एक राय मुफ्त में देकर जा रहा हूं। दरिया के बहाव के खिलाफ तैरने की हिमाकत मत कीजिए, थक जाओगे, डूब जाओगे, बह जाओगे। Have a nice day, sir. तेरा अप्रैल ठीक रहेगी? जैसा आप ठीक समझे भाई साहब, तब तक तो हमारा करण भी आ जाएगा छुट्टियों पर। अच्छा कृष्णकांत, ये शगुन संभाल लो, आज से हमारी बेटी तुम्हारी हो गई और तुम्हारा बेटा हमारा। अरे ये विनय कैसे नहीं आया अब तक? ये लो विनय भी आ गया। आओ बेटा विनय आओ। मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ सर। विनय, बड़ों से इस तरह मजाक नहीं करते बेटे। काश ये मजाक होता माँ, लेकिन इन पर किसी पुरुषोत्तम जालान से रिश्वत लेने का इल्जाम है, और बदकिस्मती से इन्हें गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई है। जबकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे बाबूजी जैसे ईमानदार इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। चलिए सर, मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। चलिए, ऐसा 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 जुल्म मत करना बेटे। ये तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हारे पिता समान है। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, फिर भी तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। देखिए, आप मेरा काम और मुश्किल मत कीजिए माँ जी।
चलिए सर प्लीज। अरे अरे ये कैसा फर्ज है तुम्हारा जो सही और गलत में फर्क नहीं देख सकता। मत मत कर ये पाप बेटा, मत कर ये पाप। अगर इन पे बदनामी का दाग लगेगा तो ये दो पल भी नहीं जी पाएंगे। बस करो सुशीला, मुझसे ईमानदारी की कीमत मांगी जा रही है तो मुझे चुकाने दो, लेकिन तुम अपने आंसू मत चुकाना। हो सकता है बाद में तुम्हें इनकी जरूरत पड़े। चलिए इंस्पेक्टर विनी। बस करो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या मैं इनसे दो मिनट बात कर सकता हूं? ऑल राइट। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है सर, आप मिल में लगी हुई आग की जांच रोक दीजिए, मैं आप पे लगे सारे इल्जाम हटा दूंगा। बड़ी हिम्मत है तुझ में लड़के। मैंने सुना था झूठ के पांव नहीं होते, उसे सच के सहारे चलना होता है। ये सब किताबी बातें हैं सर, और जिंदगी कोई किताब नहीं। मेरी राय मानिए, मैं आपके बेटे जैसा हूं। दाद! मेरे बेटे जैसा है तू? अरे डूब मरता मैं अगर मेरा बेटा तुम्हारे जैसे होता। तुम्हारा ना कोई धर्म ना कोई ईमान, पैसों की खातिर खुद की आत्मा तक को बेच चुके हो तुम। नहीं नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे जैसा नहीं है, नहीं है मेरा बेटा ऐसा। अरे वो तो ईमान की खातिर खुद को कुर्बान कर सकता है, फर्ज की खातिर अपनी जान दे सकता है, देश के दुश्मनों के लिए आतंक है मेरा बेटा, आतंक। और उनके आतंकवादी गिरोह पे गिरफ्तार कर लिया है। कैप्टन करन इन कमांड सर, आउट एंड रोशन। सर वी हैव फाउंड आउट द टेररिस्ट हाइड आउट सर, जहां उन्होंने बच्चों को छुपा के रखा है सर। बच्चों को उठाएगा? You bastard! देख, उनकी आंखों में छिपे हुए खौफ को देख, यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता हूं। मारूंगी, गोली चलाना, गोली बच्चों को मारेगा। Karan, control! He is dead! I know he is dead. Happy birthday, Rita. Thank you. Happy birthday. We are proud of you, Captain Karan. हमें नाज है आप जैसे बहादुर अफसर पर। बहादुर तो सब होते हैं सर, मैं जरा सा लकी हूँ। ओ नीले नैनो वाला
पुत्र नाना करके चौबारे से कुछ बोल गई वो इशारे से कुड़ी मार गई लश्कारे से दिल ले गई लूट कुवारे से चोरी चोरी चुपके कैसा जादू डाला तेरा लकी कबूतर आए हाय तेरा लकी कबूतर ओ नीले नैनो वाला तेरा लकी कबूतर मेरी खुल गई पटक दिनी अख जी गली दे विचों कौन लंगेया किते होई ना होवे ओ जिदा शक जी गली दे विचों कौन लंगेया ओ दी अड्डी वजे सीने ठक ठक नी गली दे विचों कौन लंगेया नीले नैनो वाला है तेरे लकी कबूतर है दिल लेके किसे दा सुन मित्रा ना दिल फिर मोड़ी दा दिल लेके किसे दा सुन मित्रा ना दिल मिसरी के जैसी बोल के ओ हम जोल के लक तेरा 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 ओ नीले नैनो वाला है तेरा लकी कबूतर पिए इश्क दा प्याला है तेरा लकी कबूतर ना ना करके चौबारे कुछ बोल गई वो इशारे से कुड़ी मार गई लश्कारे से दिल ले गई लूट कुमारे से चोरी चोरी चुपके कैसा जादू डाला तेरा लकी कबूतर नीले नैनो वाला तेरा लकी कबूतर मैंने कभी कोई रिश्वत नहीं ली मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मेट्रोपोलिस मिल में लगी आग की जांच करने से मुझे रोकने के लिए मिस्टर सिंघाल और मिस्टर नटवर सक्सेरिया वगैरह ने मुझे रिश्वत देनी चाहिए थी चूंकि मैंने वो रिश्वत नहीं ली आप इन लोगों ने बहक रहे हैं मिस्टर सत्यप्रकाश ये मुकदमा आप पर उनसे रिश्वत ना लेने के लिए नहीं मगर इनसे रिश्वत लेने के लिए चलाया जा रहा है मिलॉर्ड जिन सिंघाल और सक्सेरिया की ये बात कर रहे हैं उनका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं ये मुकदमा मिस्टर पुरुषोत्तम का है जिनसे रिश्वत इन्होंने ली इसीलिए मिलॉर्ड मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अदालत का और वक्त ना जाया करके आप मिस्टर सत्यप्रकाश के असिस्टेंट कमिश्नर और दफ्तर के दूसरे लोगों को बुलाएं और कटघरे में खड़ा करें क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से मिस्टर सत्यप्रकाश को रिश्वत का पैसा कबूल करते हुए देखा इजाजत है थैंक यू मिलॉर्ड मैं नीचे से शुरू करता हूं सबसे पहले मिस्टर सत्यप्रकाश का अपना भरोसेमंद पियन
रामपाल सिंह। रामपाल सिंह हाजिर हो। अब मैं क्या बोलूं जज साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, इन्होंने मेरी आंखों के सामने ही रिश्वत ली थी। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत श्री सत्य प्रकाश को रिश्वत लेने के जुर्म में 2 साल कैद बामशक्कत की सजा का हुक्म देती है। आप फिक्र मत करना जी, मैंने करण को बुला लिया है, हम लोग हाईकोर्ट में अपील करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना जी। कर दिया। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती वकील, उससे डर। देवता जैसे मेरे पति पर पत्थर फेंकने वाले ये हाथ, ये इन लोगों की नहीं है, ये तो तेरे हाथ है, तेरे। इसका हिसाब भी तुझे चुकाना पड़ेगा, याद रखना तू। चलिए माजी, माजी चलिए। कोई मेरे करण को बुला लाओ, मेरे करण को बुलाओ कोई। Let's move. करण! करण, मेरे बच्चे। करण तू आ गया, तूने इतनी देर क्यों लगा दी? इतने में तो उस वकील रवि वर्मा ने तेरे पिताजी को बेईमान साबित करके जेल में भिजवा दिया। बेटे जल्दी कर, जल्दी जाकर उन्हें छुड़ा ला, जा जा छुड़ा ला, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, अब तक न जाने क्या हाल हो गया होगा। वाह रवि बाबू, वाह, क्या कांटे से कांटा निकाला है आपने, मजा आ गया। मगर भैये, 2 साल बाद वो वापस लौटेगा और फिर से हमारी फाइलें खोल के बैठ जाएगा, तब हा? जो आदमी 2 साल की सजा काट के आता है ना बिहारी बाबू, सरकार उसे दोबारा नौकरी नहीं देती, भूल जाओ उसे, खत्म हो गया वो। पुरुषोत्तम, तुम अपनी बिल्डिंग उठा लो। ठीक है, सबसे ऊंचा पेंटहाउस मेरा होगा। बिल्कुल सर, नेकी और पूछ पूछ। और हाँ डैड, आप भी बेफिक्री से अपने होटल का काम शुरू कर दीजिए, मैं चलूं। ओके बाय जन। ओके बाय। सिंघाल साहब, सिंघाल साहब, हमें तो तसल्ली नहीं है, सांप को अधमरा मत छोड़ो, उसे कुचलना है तो पूरा कुचलो। मतलब? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मान लो अगर वो सत्य प्रकाश ससरा जेल में आत्महत्या कर ले तो? वो काहे को करने लगा आत्महत्या? समझा करो, जेल में जब कोई मर जाता है तो उसे आत्महत्या ही कहते हैं, क्यों? हाँ। और जिस आदमी की आंखें बंद हो जाती हैं, फिर न वो मुंह खोलता है न फाइल। हाँ। ये क्या लगा रखा आप लोगों ने, कभी कहते यहां जाओ, कभी कहते वहां जाओ, कभी कहते यहां साइन करो, कभी कहते वहां साइन करो, नहीं करता मैं साइन, जाओ। पिछले 2 घंटों से इट्स मोर देन इनफ। ओके, देखिए हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है, मत समझाइए हमें। बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप। एक बेटे को अपने बाप से नहीं मिलने दे रहे, ये ड्यूटी कर रहे आप। यू नो हु आई एम, आई एम कैप्टन करण, कमांडर ऑफ फोर्स इंडियन आर्मी। कैप्टन करण सर, बात क्या है? मैं अपने बाबूजी से, मेरा मतलब है मैं म्युनिसिपल कमिश्नर सत्य प्रकाश से मिलना चाहता हूँ। एंड दिस ऑफिसर इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मी टू मीट माय ओन फादर। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। सुनो जी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। बाबूजी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। ये कब हुआ? सर सुबह 7:549 ने आत्महत्या कर ली और खबर मिलते ही हमने लाश का पंचनामा शुरू कर दिया और सर इनके रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म कर दिया। बाबूजी, बाबूजी, भाई करण बाबूजी,
बाबूजी, बाबूजी बोलिए ना, बाबूजी, बाबूजी मैं करण हूँ बाबूजी, बाबूजी बोलिए ना बाबूजी, बाबूजी। He is dead, Captain. जानता हूँ मैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? आत्महत्या करने वाला खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार होता है। आत्महत्या नहीं है ये, मेरे बाबूजी जिंदगी से प्यार करते थे, जिंदगी का सामना करने वाले इंसान थे वो। वो आत्महत्या नहीं कर सकते। किसने किया ये? किसने किया ये? किसने मारा है बाबूजी को? बोलते क्यों नहीं? मर गया क्या सबके साथ? किसने किया ये? कैप्टन करण, बोलो। कैप्टन करण, ये क्या कर रहे हैं? कंट्रोल योर सेल्फ, प्लीज कंट्रोल, कंट्रोल योर सेल्फ कैप्टन करण। जब 5 stars मिलेंगे तब देखेंगे, ओके? पापा नहीं, अभी देखो। ये क्या किया आपने? नया टेबल खराब कर दिया? पापा, I'm sorry. सॉरी बोलने से गलती ठीक नहीं हो जाती। डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज है कि नहीं? ओहो, ये लो जवाई राजा, सब कुछ ठीक हो गया। आप ही ने इसे सर पे चढ़ा के रखा है। हाँ, सर पर चढ़ा कर रखा है और रखूंगी। आप जाओ ना पार्टी में, ऐसे बच्ची को डांटे जा रहे हो। कोई बात नहीं बच्चिया, कोई बात नहीं बेटा। मम्मी आते ही जल्दी जल्दी पूजा के साथ क्या खेलेगी? वीडियो गेम। ओके ओके, लेट्स गो, कम ऑन, गुड नाइट। चले गए बिना चढ़ना मिट लिए। रवि वर्मा, इश्क इश्क इश्क, ओ तेरे इश्क। नशा तुझ में सा बोतल का, तेरी मस्ती का मैं प्यासा। नच गुड़िये मेरे नाल, नच गुड़िये मेरे नाल।
समझती हूँ मैं भी जानी तेरी नीयत में बेईमानी बना के झूठे अफसाने छेड़ना मुझको दीवाने है तेरे दम से ये मेरी कहानी तेरे सिवा क्या ये जिंदगानी तू जो कहे तो तुझ पे जाना जान लुटा दूं मैं करते हो अरे बोल रहा तेरी आंख का काजल दिल है मेरा तेरे इश्क में पागल और ज्यादा मैं क्या बोलूं रे I better drive. You can't even walk straight. Come here, sweetheart. Love you, John. सिंघाल साहब उन दोनों को ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं सर गोलियां चलाने वाले को पहचान लिया गया है उसका नाम करण सिंह है पिछले दिनों जेल में म्यूनिसिपल कमिश्नर सत्यप्रकाश ने खुदकुशी कर ली थी ये उन्हीं का बेटा है ऑफिसर पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो और वायरलेस पे मैसेज भेज दो कि करण का जल्द से जल्द पता लगाया जाए यस सर कमिश्नर ही शुड नॉट एस्केप मेरे बच्चों पर गोलियां चलाने वाला हम जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे आप बेफिक्र रहिए मिस्टर सिंघाल आपकी बेटी और दामाद ठीक है ना हम रवि वर्मा को बचाने में कामयाब हो गए लेकिन एक गोली उनके दिमाग के हिस्से को छू कर निकल गई मुझे डर है कि कहीं वो अपनी याददाश्त न खो बैठे Excuse me, Mr. Rayu Arma. Mr. Rayu Arma, please speak to me. मैं डॉक्टर प्रधान, कुछ बोलिए मिस्टर रवि प्लीज मुझसे कुछ बात कीजिए प्लीज ट्राई टू स्पीक हाँ कोशिश कीजिए आगे क्या आगे बोलिए मिस्टर रवि शुक्र कीजिए सिंघाल साहब कि उनका दिमाग बिल्कुल खाली नहीं हुआ अगर उन्हें काजल याद है तो उम्मीद की जा सकती है
कि काजल के जरिए उनको सब याद आ जाए। बस यूं समझ लीजिए कि रवि के बंद दिमाग की चाबी सिर्फ एक है और वो है काजल। I'll convey the message. आइए। ये तो बड़ी गनीमत हुई कि रवि की जगह काजल मर गई। नहीं नहीं, ये मत समझना कि मुझे अफसोस नहीं हुआ। अफसोस जरूर हुआ, लेकिन अगर रवि मर जाता तो समझ लो कि हम सब भी उसके साथ मर जाते ना। बात तो 100% खरी है। अरे भाई, हमारे वो सारे काले धंधे, वो स्विस बैंक के अकाउंट, वो बेनामी जमीन जायदाद का हिसाब किताब सब उसी ने तो संभाल रखा है। अगर उसे कुछ हो जाता तो हम तो बर्बाद हो जाते। मुझे तो अब भी बड़ी गड़बड़ी नजर आती है भाई। हा? पता है डॉक्टर ने क्या कहा? क्या क्या? रवि को बिल्कुल ठीक करना चाहते हो तो उसके सामने उसकी काजल होनी चाहिए जब भी वो होश में आए। अरे अब जो दुनिया में नहीं रही उसे क्या आसमान से उतार लाएंगे? हौसला रखिए सिंघल साहब। बंसल जी, कैसे हौसला रखूं? दामाद है जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और बेटी जो हमेशा हर लिए साथ छोड़ गई। नहीं नहीं, ये आपकी बेटी नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये तो मैं कहता हूं ये सवाल ही नहीं उठता। बंसल, मैं मान ही नहीं सकता कि ये
मेरी रानी, मेरी चमक छल्लो। हाय, मैं मर गई राम कसम। ए, इधर दे। इतनी देर में आधी कर दी मुए ने। अरे थोड़ी सी तो पी है, है? नखरे दिखा रही है। ला, बीड़ी दे। जी मैम साहब जी। कजरी, तू जो नाचे है ना चमक के, तो कसम से जी यूं करे है कि अभी के अभी खेल जाऊं। चल हट, हाथ मत लगाइयो, काट के फेंक दूंगी। ब्लडी फूल, अभी टेम है लगन में। कर ले मुजोरी। अरे ब्याह के बाद सारी की सारी अकड़ धरी रह जाएगी। हाँ भले पधारे हुकुम। सेवा भाई, तेरी छोरी चाहिए, बंबई लेके जाना है। मैं तो बोलू जी, कोई फिल्म विलम में एक्टिंग करने का तो नहीं है हुकुम? हाँ एक्टिंग ही करानी है, तू दाम बोल। यल्ले, अरे 400-500 तो रोज अठी कमा ले छोरी। चुप करो जी, नशे में कुछ का कुछ बोल दो हो। मैं तो बोलू हूँ 400-500 नहीं हुकुम, रोज का 4-5 हजार कमावे हमारी छोरी। और अगर हम लाख रुपया देकर तुम्हारा नक्शा ही बदल दे तो? कितना? लाख। अच्छा तुम बोलो, तुम बोलो। दो, तीन, चार, पाँच। पाँच लाख ठीक है। का कहो हुकुम? छह सात। ऐसा मजाक अच्छा कोनी। तो आठ, नौ। मैं तो बोलू। अरे तू बोल दस, दस बोल, बोल दस ठीक है। मैं तो बोलू मल्ले भी साथ ले चलो हुकुम, जो 10-20 हजार ठीक समझो मल्ले दे देना। बासी कड़ी में उबाल, हमने चिड़िया का नक्शा मांगा था, चिड़िए के घोंसले का नहीं। हुकुम आप तो, अरे कजरी भारा, सलाम बोल हुकुम ने। गुड मॉर्निंग बोलू साहब जी, कहाँ करनू है गो प्रोग्राम? तो बेहतर जा, टाइम है अभी। मैं तो बोलू हुकुम, भाव ठीक बोलो जी। मतलब? अभी तो नथ भी नहीं उतरी है हमारी छोरी की। देखिए भाई जी, हमें कौन सा उस लड़की से ब्याह करना है? आप लोगों का क्या भरोसा हुकुम, कहीं दागदार करके लौटा दोगे तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ना। देखिए उधर काम खत्म है और इधर आपकी लड़की वापस। मैं तो बोलू जी, छोरी आपकी गुलाम है, ले जाओ। 10-20 दिन ज्यादा भी रखोगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, हम भी दिल वाले हैं। कभी वर्मा बच गया, कभी वर्मा खतरे से बाहर, कभी वर्मा खतरे से बाहर, कभी वर्मा को बचाने में डॉक्टर्स कामयाब, कभी वर्मा को बचाने में डॉक्टर्स कामयाब। Mr. Ravi Verma is in room number 76. Thank you. करण भैया, यू आर अंडर अरेस्ट। आपने हथियार फेंक दो। नहीं, जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर देता तब तक कुछ नहीं। जो कहना है जो करना है सब उसके बाद। करण भैया, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते, प्लीज अपने आप को मेरे हवाले कर दो, प्लीज। ये करण पागल है क्या? जी हाँ पागल है। ये जो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते हैं ना सर, ये पागल ही होते हैं। इनके लिए जिंदगी सिर्फ एक मिशन है, जो ठान लेते हैं करके ही दम लेते हैं। What do you mean? अगर रवि को कुछ हो गया होता तो? हम जानते थे कि करण यहाँ जरूर आएगा,
इसलिए हमने मिस्टर रवि वर्मा को पहले ही शहर से बाहर महफूज जगह पर शिफ्ट कर दिया है, और इस वक्त वो डॉक्टर आनंद के सैनिटोरियम में बिल्कुल हिफाजत से है, जिंदा। हेलो हेलो हेलो, सॉरी यार, बता मैं कौन? काजल। काजल नहीं, सुंदर, सुंदर, जैसे ताजमहल सुंदर होता है ना, वैसे सुंदर बांगड़ो। जैसे डॉक्टर आनंद का ये सैनिटोरियम सुंदर है ना, है? जैसे मेडिकल स्टोर, जैसे खूबसूरत वाइन शॉप, शमशान घाट का गेट, म्यूनिसिपालिटी का गार्डन, है ना, ऐसा सुंदर। बोलो मैं कौन? काजल। एक बात बता, तू मुझे काजल क्यों बोलता है? इसलिए कि मैं काला हूं? सिर्फ काजल ही काला नहीं होता, सुंदर भी काला होता है। बोलना मैं कौन? काजल। सुंदर। काजल। सुंदर। काजल। सुंदर 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 की बच्ची, कितनी बार बोला है कि आने से पहले आवाज दिया कर, तोड़ दिया ना मेरा। क्या तोड़ा मैं? 440वां पेन, सब कुछ दिखता है। कहीं और कोई चीज टूट जाता तो पेशेंट को मैं क्या मुंह दिखाता? सब कुछ पेशेंट को बताएगा तो मेरे को क्या बताएगा मैं? बोलता कुछ है, सोचता कुछ और है। हे, क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुन। सुना? आती क्या खंडाला? खंडाला क्या आदमी है? तेरा नंबर वार्ड कब से खाली है? तुझे कुछ मालूम ही नहीं। काजल। मेरे स्टैचू भाई, निकाल दी ना हवा, निचोड़ दिया ना नींबू दूध में, डाल दी ना हड्डी कबाब में। ये क्या हो रहा है? सर सर, पेशेंट का बीपी बढ़ गया है। बीपी पेशेंट का नहीं, बीपी तुम दोनों का बढ़ गया है। सर सर, पेन मेरा टूट गया है आज फिर। हेलो रवि। काजल। इसकी ना काजल पे सुई अटकी हुई है, पिन अटकी हुई है, ऑपरेशन करके निकाल दीजिए, उई करता रहेगा। सुंदर, काजल इसकी बीवी का नाम है, जिसे ये बहुत प्यार करता था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या इसको मैं इसकी बीवी दिखा देता हूँ? चुप। ये तो हमने सोचा ही नहीं। सुंदर, एक काम करो, ये कपड़े उतारो, साड़ी और ब्लाउज पहन कर आओ, हो सकता है इसे तुम्हें देखकर इसकी बीवी याद आ जाए। अगर ऐसा हो गया ना तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसे अगला पिछला सब याद आ जाएगा, इसका दिमाग ठीक हो जाएगा, और सोचो मेडिसिन के इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। तुम दोनों फिर शादी कर लेना। अरे रे रे रे, तुम दोनों की शादी होगी, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे होंगे। कैसे होंगे? ऐसे होंगे तुम्हारा ऑपरेशन। अगर मेरी शादी होगी ना तो जिंदगी भर कुंवारी मरेगी और यूं करते रहेगी। सुंदर। सो हाउ आर वी टुडे? काजल आएगी तुम्हारी, काजल आना ही पड़ेगा उसे। आप इतने दिल से, दिल की गहराइयों से उसे याद करते हैं, उसे भी कांचन मिलता होगा, जरूर आएगी वो, आना ही पड़ेगा उसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सेठ जी, बुढ़ापे में मेरी मिट्टी पलीत मत करिए, मेरी काजल की जगह एक नाचने वाली इस घर में आएगी। ची ची ची, राम राम राम। एक बार देख तो लो ताई, कहते हैं बिल्कुल काजल जैसी है। खाक, जो कहता उसके मुंह में खाक। ना तो मेरी काजल जैसी आज तक कोई हुई है, ना कभी होगी। चल भीतर चल। काहे सिंघाल बाबू, खा गए ना चक्कर? अच्छा, तो इनकी ड्यूटी पे आई हूँ। मैं कहूँ साहब जी, गुड मॉर्निंग बोलूं? हाँ, घनी फंटास्टिक सजावट कर रखी है सेठ ने। मम्मी, मम्मी, मम्मी आप आ गए? आप कहाँ चले गए
बात है, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। ये कौन सी ड्रेस पहनी है मम्मी? फैंसी शो में गई थी, सो स्वीट। अच्छा, आपने प्रॉमिस किया ना आके वीडियो गेम खेलूंगी। अभी नहीं बेटे, अभी मम्मा थकी हुई है। अरे पापा कहाँ हैं? वो भी तो आपके साथ गए थे। वो दिल्ली गए हैं बेटे। मम्मा आ गई है, अब पापा भी आ जाएंगे। जाओ आप जाके सो जाओ। ताई, पूजा को ले जाकर सुला दो। चुर। तुझे तो पवित्र करना पड़ेगा। राम 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 राम। देखो ये बच्ची तो मन्ने चोखी दिखे साहब जी, पर ये बुढ़िया मन्ने टेढ़ी दिखे। ऐसी बात नहीं करते, अच्छी तरह बोलते हैं। हम इन्हें ताई कहते हैं। मेरी बेटी थी ना काजल, उसको इन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। हमारे लिए तो सगी हुई ना। हाँ हाँ साहब जी, पर हमारे लिए तो सौतेली हुई ना। आप समझा देना, बेफजूल में मेरी बेइज्जती खराब ना करें, मन्ने प्रॉब्लम हो जाएगी। रवि वर्मा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कहाँ छुपा रखा है रवि वर्मा को? मुझे नहीं मालूम, मैं सच बोलता हूँ, मुझे नहीं मालूम। सच बोलता है, सच बोलता है। सच तो ये है कि मेरे बाबूजी ने तुझसे रिश्वत ली थी। सत्य प्रकाश एक बेईमान अफसर था। वो गलती थी मेरी, मैं बहकावे में आ गया था। बहकावे में? किसके बहकावे में? रवि वर्मा के बहकावे में? हाँ शायद। कहाँ है रवि वर्मा? वो सेक्रेट सेक्रेट हार्ट सैनिटोरियम में। मुझे छोड़ दो। आ गया, बैठना काजल। अब गिरना नहीं, संभाल कर बैठना, मैं एक मिनट में आता हूं। काजल बास्टर्ड, तूने मेरे बाबूजी की जान ली और तू सोचता है कि तू बच जाएगा। देख, अरे मेरी तरफ देख, देख मौत कैसी होती, देख देख। शाबाश करण, शाबाश। जिसकी बहादुर के किस्से मैं पढ़ता था अखबारों में, आज एक मुर्दे को मार रहा है। ये मुर्दा नहीं है डॉक्टर, ये मुर्दा मेरी गोली खाने के बाद होगा। अच्छा खासा ये लगता है। तुमने इसकी हालत पर गौर नहीं किया। देखो इसे, गौर से देखो, ना होश है ना एहसास, ना दुख जानता है ना सुख जानता है, ना जीना जानता है ना मरना जानता है। और ये हालात तुम्हारी वजह से हुए हैं। क्या कसूर था इसकी पत्नी का?
जो बेवजह मारी गई? कसूर तो मेरे सीधे साधे ईमानदार बाबूजी का भी नहीं था। तो इसीलिए तुम अनाप शनाप लोगों को मारते फिरोगे? इसे मारोगे, मुझे मारोगे, सबको मार दोगे, क्या होगा उससे? तुम्हारे बाबूजी फिर से जी उठेंगे? बड़ी शांति मिलेगी उनकी आत्मा को? हाँ हाँ, मार डालूंगा, सबको मार डालूंगा। ये जो तुम्हारे सीने में बदले की आग है ना, उसकी तसल्ली के लिए तुम इसको मारना चाहते हो। मारो इसको, जान से मार दो इसको। वैसे भी ये एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। बड़ी मेहनत कर रहा था मैं कि शायद मैं इसको एक नई जिंदगी दे सकूं, पर नहीं। ओए! जल्द से जल्द ठीक कर इसे डॉक्टर। दे इसे जिंदगी। जिस दिन तू इसे जिंदगी देगा, मैं इसे मौत दूंगा। मौत, सिर्फ मौत। क्या हुआ? 5.5 महीने का बच्चा है। ये है टीना, कमाल की हसीना। इसके साथ मेरा चक्कर चल रहा था, मगर इसका आदमी बड़ा कमी न था, वरना मेरी शादी से हो जाती, मेरे 5.5 बच्चे हो जाते। क्या हुआ, नहीं समझा? दूसरा सुन। एक लड़का जा रहा था, मुझसे भी काला, सफेद कपड़े पहनकर। एक सदाजी ने देखा उसको, बोला ओए तेरे पीछे काला काला डामर लगा हुआ है। उसने कहा सदाजी मजाक मत करो, मेरी पैंट पीछे से फटी हुई है। क्या हुआ, नहीं समझा? तूने मुझे बहुत पकाया ना, मैं भी तेरे को पकाऊंगा। तीसरा सुन। एक लड़का भागता हुआ है अपनी मम्मी से, बोला मम्मी मम्मी मम्मी, किचन में ना रामू नौकर है ना, लक्ष्मी नौकरानी से चुम्मा चाटी कर रहा है। उसकी माँ गुस्से में आकर उसको बुलाकर डांटी, बेवकूफ उल्लू का पट्टे ऐसे काम करता घर में। तो बच्चे ने कहा मम्मी मम्मी अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, वो रामू नहीं था, डैडी थे। क्या हुआ? कुछ कुछ होता है, है? तेरे बगैर मेरा कुछ नहीं होता है, तेरा वो कुछ कुछ होता है। कल किधर गई थी तू? अरे नहीं मैन, कलम पिक्चर देखने गया था, कुछ कुछ होता है। मेरे बगैर, मेरे को लेके नहीं गई तू? तुम हमको पिक्चर हॉल में पिक्चर कहाँ देखने देता है मैन, तुम तो हमको। आजा फिर तो पिक्चर दिखा दो, पिक्चर दिखा दो, आजा। रवि, रवि, अरे को रोको उसको, अरे रवि, अरे बचाओ। तू औरत है कि बुलडोजर, देख मेरा क्या हाल बना दिया। पकड़ लिया। हाय, क्या पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया, पकड़ लिया। इतनी जल्दी हमारा साथ छूटने वाला नहीं है दोस्त, नहीं जाने दूंगा। डाकू सचमुच आया था या फिर ऐसे ही? नहीं, डाकू, तेरा भगवान भला करे, ऐसे रोज आया कर यार। ये सब क्या है मिस्टर सिंघल? क्या है डॉक्टर आनंद, वो करण का बच्चा हद से आगे बढ़ रहा है, हमें डर है कि वो यहाँ ना आ जाए। लेकिन वो तो यहाँ आ चुका है। कौन, करण? लेकिन रवि तो ठीक है ना? हाँ रवि तो बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहे हैं आप, करण यहाँ आ चुका है और रवि फिर भी? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि शेर कभी मुर्दों का शिकार नहीं करता। डॉक्टर आप करण को शेर कह रहे हैं? नहीं, मैं मिस्टर रवि को मुर्दा कह रहा हूं। रवि की तो हालत देखी है ना आपने, उसकी जान को तब तक कोई खतरा नहीं जब तक वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाता। डॉक्टर रवि अच्छा कब होगा? जब आप काजल को उसके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। क्या हुआ आपकी काजल का, वो तैयार हुई कि नहीं? अरे अरे, इधर कहाँ चली आ रही है, इधर कहाँ चली आ रही है, मतलब भूख लगी है, कुछ खाने को लेने आई है। हाँ हाँ हाँ, उधर चल उधर, खबरदार जो मेरी रसोई के भीतर पांव धरा तो, नचनियों का डेरा समझ रखा मेरे घर को। उठाया मुंह और चली आई भीतर। ये ले खाना, ठूस ले, ले। मर भर का धर्म करम सारा मिट्टी में मिला दिया। ये कहाँ चली गई? राम राम राम, ये क्या है, ये क्या मतलब? बढ़िया,
तू क्या समझे मने? ऐसे खाना फेंके कुतिया समझे मने? भोकती तो वैसे ही है। भोकती नहीं काटती भी हूँ, दिखाऊं काट के? आगे बढ़ी तो काट के रख दूंगी। हाँ। जिंदा छोड़ूंगी तब ना। खैर तेरी तो बुढ़िया सुस्वीत तेरी तो इंसियत करी कजरी की। अरे कजरी तेरी काट काट के पीस पीस के टुकड़े कर देगी। इंसियत करी ए बुढ़िया, बहुत बड़ा पंगा ले लिया तूने। क्या हो रहा है ताई, क्या हो रहा है ये? बेटी तो खो चुका हूँ, सोचा शायद रवि की जिंदगी बचा सकूं, जिसकी जिंदगी काजल के नाम पर टिकी हुई है। अब नहीं बचा पाऊंगा उसे, अब नहीं बचा पाऊंगा। नहीं, सेठ जी ऐसा मत कहो, मेरी उम्र भी लग जाए जमाई राज। सिर्फ कह देने भर से कुछ नहीं होता। कितनी उम्मीद थी कि तुम इस लड़की को काजल बनाकर रवि के सामने ले जाने लायक बना दोगी, लेकिन तुम्हें तो अपनी नफरत से छुटकारा नहीं मिलता। छोड़ दो हमारी किस्मत के ऊपर। हाँ हाँ जाती हूँ, जाती हूँ सब जी, जाती हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे तेरे नोटों की खाते नहीं आई थी गजरिया ना? धोखे में आई थी, धोखे में, कि गजरी देख कर रहा बड़े लोगों का घर कैसा होता है, ऐसा होता है साला, ससुराल ऐसा होता है जी। जाती हूँ और तेरे नोट भिजवा दूंगी तेरे को मैं, फिर मत कहियो कि गजरी ने कही नहीं। हाय राम, सिर फोड़ लिया कमबख्त की मारी ने। सॉरी बुड़ी। Try to sleep. काजल। अरे क्या हुआ? पिछले सात दिनों से डॉक्टर साहब, पिछले सात दिनों से ना ये खुद सोता है ना मुझे सोने देता है। अगर ये नहीं सोया, अगर ये नहीं सोया तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। मेरी लिल्ली शादी से पहले विधवा हो जाएगी, मेरा बच्चा पैदा होने से पहले अनाथ हो जाएगा। डॉक्टर साहब इसको नींद का इंजेक्शन लगा दीजिए। सुंदर, इसको इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तुम मुझे लगा दीजिए। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसके दिमाग पर असर पड़ सकता है, हालत और खराब हो सकती है। मेरी हालत की आपको कोई फिक्र नहीं है? कुछ तो दवा होगी इसके लिए। सुंदर इसकी दवा बन रही है। काजल सुरमा बोल, बिंदी बोल, लिपस्टिक बोल, नेल पॉलिश बोल, काजल मत बोल, काजल मत बोल। अरे तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। सारी हाँ सारी। ओ इट इज ऑल राइट। भूख लगी है? खाना दू या फिर बोतल ला दू? कोई चढ़ा ले, पेट भर जाएगा। बोतल तो तोड़ दी ना अम्मा। क्या बोली? तोड़ दी बोतल, अब ना पीने की। उसके बाद क्या बोली? अम्मा साहब जी ने कहा था जो माँ जैसी हो उसे अम्मा कहें। मैं अम्मा ना हूं तेरी, ताई हूँ। काजल मुझे ताई कहती थी। ले। अरे 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 काजल की जगह ये नहीं, वो है मेज पे। चल यहाँ बैठ। छी कैसे खा रही है? ऐसे नहीं काजल, यू खाती थी। उठा चम्मच, चम्मच उठा, ऐसे ऐसे। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरा भगवान तेरे साथ है। याद रख बच्ची,
तू एक अच्छे काम के लिए जा रही है। मम्मी मम्मी पापा को साथ ही लेके आना, मैं उनके बिना नहीं रह सकती।
ये तो अच्छा हुआ कि हमसे पहले कुत्ते आ गए, नहीं तो हमारी भी हालत यही होती। Shut up! देखिए किसी भी बात की चूक नहीं होनी चाहिए, हर काम मुश्तैदी से होना चाहिए। ओके सर। लीजिए। थैंक यू माँ जी। सुनो राम सिंह जी, तुम हर आने जाने वाले पर निगरानी रखना, समझे? ओके सर। चाय। माँ जी आप तकलीफ मत किया कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें तकलीफ कैसी दामाद जी, मुझे तो बुरा लगता है कि रात रात दिन दिन आप घर के बाहर पहरे पर खड़े रहते हैं, और जब भी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप घर में आकर बैठिए तो आप मानते ही नहीं। माँ जी रिश्ते जब फर्ज के रास्ते में आड़े आते हैं तो किस तरह चुपते हैं मैं आपको समझा नहीं सकता। जैसे आप ठीक समझें, आपकी चाय। सर आपका फोन। रात बहुत हो गई है बेटी, पुलिस का पहरा भी सख्त है, अब और इंतजार मत कर, अब करण नहीं आएगा। भैया और राखी बंधवाने ना आए, ऐसा तो कभी नहीं हुआ माँ। माँ भैया करण, मेरे बच्चे, और कब तक यूं भटकता फिरेगा? अब घर लौटा बेटे, घर लौटा, घर लौटा बेटे। फर्ज की राह में सिर्फ आगे बढ़ा जाता है मां, पीछे लौटा नहीं जाता। वाह, उधर विनय फर्ज की बातें कर रहा है और इधर तू फर्ज की दुहाई दे रहा है, यानी मेरी ममता का ही कोई मोल नहीं रहा। मुझे जो मेरे बच्चे का दुख खाया जा रहा है उसकी फरियाद मैं किससे करूं? मेरा बहादुर बच्चा चोरों की तरह यहां से वहां छुपता फिर रहा है, तो क्या मेरा कलेजा नहीं कटता? न जाने वो पुलिस के हाथ कब आ जाए और उसे फांसी। नहीं बेटा नहीं, तू खुद अपने आप को विनय के हवाले कर दे, वो तेरा होने वाला बहनों ही है बेटा, वो जरूर तुझे कानून से रिहाई दिलवा देगा। ये मेरी माँ बोल रही है, करण की माँ, वो सत्य प्रकाश जिसने भले ही अपनी जान दे दी लेकिन बेईमानी के आगे घुटने नहीं टेके, क्या ये उसी सत्य प्रकाश की धर्म पत्नी कह रही है कि सत्य की राह बड़ी कठिन है इसलिए सहूलियत के आगे झुक जाओ, इंसाफ की जगह रियायत की भीख मांगो, क्या यही कह रही है मेरी माँ? हाँ बेटा हाँ, सिंदूर पहुंचकर जैसे तैसे सब्र किया है मैंने, लेकिन अगर मेरी कोख उजड़ गई तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। मेरे इस देश की रीत तो यही है माँ, कि फर्ज की राह पर एक बेटे की बलि चढ़ाकर माँ इसलिए दुखी हो जाती थी कि काश उनके और भी बेटे होते तो वो इंसाफ के खातिर उनको भी कुर्बान कर देती। और तू मुझसे कह रही है मां कि मैं अपने देवता जैसे बाबूजी के हत्यारों को माफ कर दूं? बाप मेरा मरा है, मेरा, यहां आग लगी है, आग। बाबूजी ऊपर से देख रहे हैं मां, देख रहे हैं कि आज उनका बेटा क्या कर सकता है। जिस बेटे के सर पर कफन बांधकर उन्होंने सरहद पर भेज दिया था कटने के लिए, आज उनका वही बेटा इंसाफ की जंग में कितनी कुर्बानी दे सकता है वो देख रहे हैं मां, वो देख रहे हैं। मैं अपने आदर्श पिता की मौत पर आंसू बहाकर बैठ जाऊं? नहीं मां नहीं, तूने किसी कायर को नहीं जन्म दिया। सच्चाई की इस जंग में अगर मैं मिट भी जाऊं ना मां तो दुख ना करना, फक्र करना। बस भैया बस, आज के दिन ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते। तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है बहन। दे सकते हो तो भरोसा दो भैया कि अपना ख्याल रखोगे। भगवान करे मेरी उम्र भी लग जाए मेरे भैया को। There he is. Come on now.
जल्दी जल्दी करो, ढूंढो उसे। अब रवि को सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी सिंघाल साहब। जो रवि यहाँ आया था और जो रवि आप लोगों के साथ जा रहा है, ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। ये अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ भूल चुका है। क्या मतलब? मतलब ये सिंघाल साहब, आज ये एक सीधा साधा साफ सुथरा कोरे कागज की तरह हैं। जैसे जैसे आप लोग इसे इसकी पुरानी बातें याद दिलाएंगे, इसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ जाएगा। इसका मतलब जमाई बाबू पहले की तरह रवि वर्मा तो बन जाएगा ना? बन जाएगा, बन जाएगा। God bless you. अपना ख्याल रखना। सुंदर, क्या बात है बांगड़ो, प्यार करते हो तो जताना भी चाहिए। गले नहीं मिलोगे? क्या हुआ? पेशेंट बनकर आया था, दोस्त बनकर जा रहा है। ऑल द बेस्ट रवि। प्रभु तेरा धन्यवाद। ये सब कौन है? ये वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। रवि जी, बेटे हम चलते हैं, मुझे इन लोगों के साथ जाना है। ठीक है। मुंह तो मीठा करते जाइए सेठ जी। मैं मुंह मीठा कर लूं? हाँ बेटा। ताई ले, रवि को ही खिला दो, इसके साथ हम सबका मुंह मीठा हो जाए। पापा देखो, ये मैं हूँ, ये मम्मी है और ये पापा है। पापा I'm sorry। तो क्या हुआ बेटे? मैं तो रोज गिराता था। नहीं पापा। हाँ देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। डी फॉर माय डैडी, ही वर्क्स हार्ड फॉर मी, एम इज फॉर माय मम्मी, एज लविंग एज कैन बी, वी आर ऑल अ हैप्पी फैमिली। अरे सो गए। हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली। रवि तुम चलो यहाँ से, तुम्हारी जान को खतरा है। रवि तुम चलो यहाँ से, तुम्हें मेरी कसम। अरे कौन है कसम? चलो रवि, रवि चलो। कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, मेरे रवि को कुछ नहीं होना चाहिए। कमिश्नर साहब, यही खौफ मैं तेरी आंखों में देखना चाहता था वकील। हर बेईमान और बुरे आदमी के सीने में खौफ भर देना चाहता हूं मैं, और यही सजा देना चाहता हूं मैं तुम जैसे लोगों को, सजाए मौत। सामने से हट जा विनय। करण भैया हथियार फेंक दो,
मैं कहता हूँ सामने से हट जाओ विनय। नहीं करण भैया, बेहतरी इसी में है कि आप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दीजिए। सामने से हट जाओ विनय, वरना मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। मारिए, तो मारिए ना, सारी की सारी खाली कर दीजिए। हो सकता है एक हाथ मुझे छेद कर रवि वर्मा के भी पार निकल जाए। हट जा विनय, तू जानता है माँ के सुहाग का बदला लेने के लिए मैं बहन का सुहाग कुर्बान नहीं कर सकता। हट जा। अरे जिम, रवि वर्मा, थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। वो मुझे क्यों मारना चाहता है? रवि, तुम ये सब मत सोचो। वकील कितने मुकदमे जीतते हैं, एक आधा हार भी जाते हैं, कई दोस्त बन जाते हैं और कोई दुश्मन भी। काजल जी, तुम रवि को संभाल कर घर ले जाओ, देखना ये परेशान ना हो। काजल, ये ना हो सके बहना, मन्ने थारी जगह चाहिए को नहीं, मन्ने तो कजरी, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह ले लो। देखो, तुम ही मेरे रवि को बचा सकती हो, पूजा को माँ का प्यार दे सकती हो। देखा है मैंने, इतना उपकार कर दो बहन, मेरे उजड़े घर को बसा दो, बन जाओ कजरी से काजल, बन जाओ कजरी से काजल। कुछ कमी है? हाँ,
मेरी जान है तू, ये जान ले तू। अब तुम बिल्कुल पहले जैसे रवि दिख रहे हो। बस एक बात नई है, पहले तुम इतना मुस्कुराते नहीं थे, धीरे धीरे से बिल्कुल पहले जैसा रवि बनाना है। बनाना जरूर बनाना, लेकिन ये जो नई बात देख रहे हो इसे मत मिटाना। आओ बेटे चले। अच्छा ताई, चरणामृत? हाँ। क्या हुआ बिटिया? बिटिया नहीं ताई, आप मुझे फिर से कजरी ही कहने लगी है। भगवान करे वो जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाए, मैं फिर से अपनी दुनिया में लौट जाऊं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ना होने की ना, राम कसम। वेलकम रवि, आ गया हमारा बब्बर इस जंगल में फिर से राज करने के लिए। अरे हम तो बाहों का हाथ डालूंगा अपने जवाई बाबू के गले में। अच्छा सुना है कि ससुरा करण का बच्चा पकड़ा गया? मैं तो सीधा माता के मंदिर चला गया था माथा टेकने। चलिए अच्छा हुआ करण पकड़ा गया, छोड़ना नहीं जवाई बाबू, छोड़ना नहीं, सीधा फांसी पर लटका देना करण को इस बार। रवि बाबू, अपनी दादर वाली चाल का मामला एक बूढ़ा बूढ़ी की वजह से अटका हुआ है, एक झूठा केस ठोक के फेंक दो उन दोनों को। झूठा केस? ये लो और सुनो। अरे जवाई बाबू, ये लंबी लंबी गाड़ियाँ, ये बंगले, ये सानो सौकत, ये सब झूठा ही की बदौलत तो है ना। अरे भाई थोड़ा सांस लेने दो। रवि, ये हमारे होटल का मॉडल, ये उस मिल की जमीन पर बनना है जिसमें तुमने आग लगवाई थी। और ये है अपना सीफिस वाले बिल्डिंग का मॉडल जिसे आपने गिरवा दिया था। अफसोस वो पुरुषोत्तम नहीं रहा जिसका ये सपना था। ये टॉप फ्लोर का पेंट हाउस मेरा ही है ना? चीयर्स! रवि वर्मा। ये है नए म्युनिसिपल कमिश्नर, उस सत्य प्रकाश की जगह। और सुनो, उस ससुरे ने जेल में आत्महत्या नहीं की थी, हमने मारा ऐसे। हाय 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 हाय, अकेले बैठी हो? अरे ये यहाँ की बाइया, ये कोई गाना वाना गाती है? कसम सेरी गाना तो तू गाती है कलेजा फाड़ के। चला जा, आजा आजा, गा ले इनके सामने, शर्मा मत, चल चल उठ। शाबाश। सुनो जी सुनो, आज इधर स्पेशल गाना होगा और ये गाएंगी हमारे जवाई बाबू के साथ में। गाले गाले शर्मा मत, चल शुरू हो जा। ने सच ही कहा है,
हाय 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 हाय, बड़ी गजब की एक्टिंग करती है रितु। फिल्मों में काम करेगी, टॉप की हीरोइन बनवा दूंगा तुझे। सुभाष गई है ना, मेरा लंगोटिया यार है, मैं लगवा दूंगा तुझे। हाँ बस कलेजा ठंडा कर दे मेरा। अच्छा, How dare you touch my wife, you bastard! I kill you! रवि बेटे, हम उसे देख लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। हम उसका नक्शा बदल देंगे, तुम जाओ बेटे जाओ। उसने मारा तो मारा सिंघाल साहब, लेकिन आपने क्यों मारा? इसलिए बेवकूफ कि उसे अभी असलियत नहीं बतानी है, पहले वो ठीक हो जाए, अपना काम पहले जैसा अपने हाथ में आ जाए। उसके बाद कहेगा ना तो उस नाचने वाली को उठाकर तेरे बंगले में डाल देंगे, जी भर के उसका नाच देखते रहना। समझा? चल चल। नहीं काजल, बस काजल, ये तुम्हारा अपमान नहीं, मेरा अपमान किया उन लोगों ने। ये लोग अच्छे लोग नहीं है काजल, ये ना। ये तुम किस मुंह से कह रहे हो? तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। हाँ शायद हूँ। पता है वो करण मुझ पे क्यों गोली चलाना चाहता था? क्योंकि तुमने उसके ईमानदार बाप के दामन पर दाग लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया और शर्म के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली। यही तो मैं बताना चाहता हूँ काजल, उस भले आदमी ने आत्महत्या नहीं की थी, इन्हीं लोगों ने जेल में उसकी जान ली थी। ये लोग ये बात अपने मुंह से कह रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे, और मैं हमेशा उनका साथ देता रहा और तुमने मुझे कभी रोका नहीं। क्यों काजल, क्यों? हो सकता है मुझे पता ना हो, या हो सकता है कि मैंने तुम्हें रोका हो और तुमने ना माना हो। हाँ, मुझे याद आया, रोका था तुमने। तुमने मुझे कहा था कि भगवान मेरे पापा की सजा तुम्हें दे, और वही हुआ। करण ने गोलियां मुझ पर चलाई और वो सारी की सारी तुमने अपने ऊपर झेल ली। हे भगवान, तूने फिर भी मेरी काजल को मुझे वापस लौटा दिया। मैं इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन हां मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित जरूर करूंगा। तुम किस लिए आए हो तुम यहां? माजी, मैं अपनी गलती कबूल करने आया हूं। माजी, मैं बहुत पछता रहा हूं, बहुत पछता रहा हूं। इस पछताने का कोई मतलब नहीं है, क्या होगा इससे? मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, मेरा बहादुर फौजी बेटा हत्यारा बन गया। नहीं, अब चाहे भगवान भी तुझे माफ कर दे, मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे माफी नहीं चाहिए माँ जी, मुझे सजा चाहिए, और भगवान के हाथों नहीं, तेरे हाथों। मैं तुझे प्रत्यक्ष भगवान मान के पूछता हूं कि तू मुझे बता कि मैं क्या करूं। मुझे कोई राह नहीं दिखाई देती मां, और तू ही मुझे बता कि जब एक इंसान को एहसास हो कि उसने भूल की है और उस भूल का पछतावा करना चाहे तो वो क्या करे? आखिर कोई तो सजा होगी मेरे जैसे गिरे हुए इंसान के लिए, कोई तो होगी। हाँ, सजा तो तुझे भी मिली है बेटा,
मैंने अपने पति को खो दिया है और तूने अपनी पत्नी को। मैंने बहुत कोशिश की अपने करण को रोकने की, पर उसके सर पर खून सवार था। गोलियां तो वो तुम पर चला रहा था, मरण हो गया तुम्हारी पत्नी का। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जा बेटा जा। मैं कौन होती हूं किसी को सजा देने वाली। कौन है वो? बोल, अपनी ताई से मत छुपा मेरी बच्ची। क्या वो रवि तो नहीं? हाँ, सच तो यही है कि तेरी काजल गुजर गई। तो फिर वो काजल नहीं, कजरी है। और हाँ, है तेरी काजल का दूसरा रूप। मैं भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो, उसकी सजा मुझे ही मिले। सच्चाई तो एक ना दिन सामने आनी ही थी रवि। बड़ी तपस्या की है कजरी ने तुमको एक नई जिंदगी देने के लिए। आज जो तुम ये जिंदा हो, होश में हो, कजरी की वजह से हो। माफ करना मेरे दोस्त, इस जन्म में तो तुमने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, लेकिन हो सकता है कि पिछले जन्म के तुम्हारे कुछ अच्छे कर्म या काजल के साथ तुम्हारा सच्चा प्रेम, जिसकी वजह से आज तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया और इंसान जाग गया। अब देखो अपने आप को, सिर्फ शरीर ही नहीं, ऐसे लगता है कि अंदर की आत्मा भी धुलकर नई हो गई है। संभालो अपने आप को, मुश्किलें तो अब आएंगी तुम्हारे रास्ते में। सारी जिंदगी तुमने झूठ का सहारा लिया है, सच का सामना करने में थोड़ी तकलीफ तो होगी ना। बट वेल, अच्छा नहीं किया कि तुम अच्छे इंसान बन गए हो। बैड लक, बट बेस्ट ऑफ लक। सारे मोहल्ले की औरतों ने चांद देखकर खाना खा लिया, लेकिन एक तेरा ही करवा चौथ अनोखा है। सवेरे से भूखी बैठी है, कुछ खा ले। नहीं ताई, अभी तो आते ही होंगे ना, उन्हें देख लूं, फिर खा लूंगी। अब ना सुनती मैं तेरी पगलोई, कुछ खा ले तब ना मिलेगा पेट के बच्चे को कुछ। इस बच्चे की इतनी फिक्र मत कीजिए ताई, पता नहीं क्या लिखा है इसके भाग्य में। कभी तो उनको पता चलेगा कि मैं काजल नहीं, कजरी हूं, एक नाचने गाने वाली बाजारू औरत। तब क्या उस बच्चे को स्वीकार करेंगे? करना पड़ेगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। कजरी, क्या कुछ नहीं किया तूने उसके लिए? अपना सब कुछ तो नौछावर कर दिया उसे बचाने के लिए। अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली है तू। इतना बड़ा बलिदान अगर अब भी स्वीकार नहीं किया तो मैं तो यही कहूंगी कि बहुत अभागा है वो। जवाई राजा, तुम कब आए? बिटिया ने करवा चौथ का व्रत रखा है तुम्हारे लिए। पहला निवाला अपने हाथ से खिला दो, मैं खाना लगवाती हूँ। किन लम्हों में दर्द है, किस मौसम में प्यास है, पहले पहले प्यार का ये कैसा एहसास है। यहाँ दस्तखत कर दीजिए, ये आपकी जमानत के कागजात हैं। इतने सारे रुपयों का इंतजाम माँ ने कहाँ से किया? ये जमानत माँ जी ने नहीं दी है। फिर? इन्होंने दी है, मिस्टर रवि वर्मा।
इतनी बात तेरे समझ में नहीं आती वकील, कि सत्य प्रकाश के खानदान में कोई रिश्वत नहीं लेता। ये रिश्वत नहीं है, मेरी गलती का छोटा सा जुर्माना है, बाकी जो भी और सजा तुम मुझे दोगे मैं उसे सर झुका के कबूल कर लूंगा। नाटक मत कर वकील, तेरे ये हथकंडे मैं खूब समझता हूं। पछतावा हो रहा है तुझे, प्रायश्चित करना चाह रहा है तू? छोड़ उसे। अरे डर रहा है तू, डर रहा है कि मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा। अज्ञान भैया। अरे हाँ मारूंगा मैं तुझे, और इस बार दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मुझसे नहीं बचा सकती। आप ठीक है ना सर? सिर्फ एक रास्ता है तेरे बचने का, सिर्फ एक। जानना चाहता है क्या? मुझे भी इन सलाखों के पीछे मरवा दे, जिस तरह तूने मेरे बाबूजी को मरवाया था। सत्यप्रकाश जी की हत्या मैंने नहीं करवाई थी, मेरी बात का यकीन करो प्लीज। तू मेरी बात का यकीन कर वकील, अगर मैं मर गया तो तू जी गया, अगर मैं जी गया तो तू मर गया। ये क्या बेवकूफी है? दुश्मन को छुड़वाने का क्या मतलब? दुश्मन वो हमारा नहीं है, हम उसके दुश्मन हैं। क्या? उसने हमारा नुकसान नहीं किया, हमने उसका नुकसान किया है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम क्या सोचकर करण की जमानत कराने गए थे, जबकि अब भी वो तुम्हारी जान लेना चाहता है? मैंने काम ही ऐसा किया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? दिमाग खराब नहीं, दिमाग तो सही हो गया है मेरा। मैंने तय किया कि जितने भी पाप लोगों ने मुझसे करवाए हैं उसका मुआवजा खुद भी भरूंगा और दूसरों से भी भरवाऊंगा, और उनमें से एक आप भी तैयार रहिएगा। तुम सिंघाल से बात कर रहे हो, सिंघाल से बात कर रहे हो तुम? अपने ससुर से बात कर रहे हो तुम? आप मेरे ससुर थे, लेकिन आज जब काजल नहीं रही जिसकी वजह से ये रिश्ता था, तो अब आप मुझे इस रिश्ते की दुहाई मत दीजिए। बहुत सबान चल रही है तुम्हारी, दो टके की नाचने वाली ने दिमाग खराब कर दिया है। अब वो मेरी पत्नी है, इस हिसाब से जिस घर में आप खड़े हैं वो उसी का है। रवि ये मत भूलो, इस घर में दो ईंटें मेरी भी लगाई हुई हैं। तो निकाल लीजिए अपनी ईंटें, तुम्हारी दो ईंटों की वजह से मेरे सारे घर में बदबू फैली हुई है। डोंट शाउट मिस्टर सिंघाल, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, गेट आउट ऑफ द हाउस, गेट अप। स्वांग रचाकर भले घर की औरत बनना चाहती है, आखिर चला दिया चक्कर उस बेचारे रवि पर। कम साथ बाजारू औरत। हम बाजारू औरतें सेठ, तुम जैसों की घरेलू औरतों से तो बेहतर ही है ना। तुम तो अपनी औरतों से कुछ भी मनमानी करते हो, और हमें रुपए भी देते हो और तलवे भी चाटते हो। कम सर्फ, अपनी औकात से बाहर निकल रही। औकात देखनी है सेठ? हाँ देखनी है, तो चलो चैलेंज फेंकती हूँ मैं तुम पर। अरे हाथ उठाना तो दूर, तुम सिर्फ एक बुरा लफ्ज निकाल कर दिखाओ मेरे बारे में। राम कसम, अगर पूरे बाजार में इसी छड़ी से मारते मारते तेरे घर तक ना ले गई ना, तो कचरी नाम नहीं मेरा। अगर हिम्मत है तो बोल, बोल कर दिखाओ। मैं मुंह नहीं लगना चाहता तुम जैसी औरतों के। अरे सेठ, औरतों को पांव की जूती समझना छोड़ दे, जिस दिन सर पर पड़ेगी ना तो बेभाव की पड़ेगी। बात करता है साला। अरे औकात ही क्या ससुरी की, कहो तो जान से मरवा दे। नहीं, कुछ ना ठीक नहीं होगी उसके लिए, उसे फिर उसी नाली में जाना होगा। बोटी बोटी बिकेगी उसकी, खिसट खिसट कर, रेंग रेंग कर, सड़ सड़ कर मरना होगा उस बदसात को। वो सदा ठीक होगी उसके लिए।
कर दिया है बंदोबस्त उसका। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कौन? मैंने नहीं जाना। मैं खिलाऊंगा तुझे खेल। मैं खिलाऊंगा। मैं बोलूं? अरे नाथ पीटी सत्या नाथ हो तेरा। तले घर बसाने के लिए भेजा था मैंने, रुपयों कमाने के लिए भेजा था, रुपयों कमाने के लिए, और तले कमीने अभी से हराम का बीज भर लिया पेट में। अरे तो खबरदार माई, खबरदार, इसे हराम का मत कहना। मैं हूँ हराम की तो मैं हूँ, क्योंकि न तने पता है न मने पता है कि मेरा असली बाप कौन है। ये तो एक शरीफ इंसान का बच्चा है जिसने प्यार किया है मुझसे। हाय 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 हाय, मैं तो बोलूं प्यार करे है तन्ने, घरवाली समझे है तन्ने। अरे हराम की जाके बोल असलियत, बता के तू धंधे वाली है नाचने वाली है, तब देखूं कितना प्यार करे है वो तुझे हराम की जाई। मैं तो बोलूं संता मिटा दे हराम के इस बीच को, तेरी तो कमीनी। कबड़ा संता हाथ भी लगाया तो काट के फेंक दूंगी। तो जैसे 25 को सीधी कर चुका हूं मैं अब तक, टांगे तोड़कर डेरे में भी डाल दूंगा ना, तो भी घाटे में नहीं रहूंगा। अरे ना रहे नाचने लायक, 20-25 दिन भूखी रहेगी तो खुद ही दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ए बस रख के पकड़ के तो रख, पहले इस बला को निपटा दो जिसकी वजह से इतना कूद रही है। कन्ने काट जा वरना यही के यही खेल जाऊंगा। क्या लगती है तेरी? हाँ, मेरे होने वाले बच्चे की माँ। मैं तो बोलू ना हुकुम, आप कुछ ना बोलो जी। टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12? ये ले। नहीं ये ले। जाओ संभालो अपना ये घर, अपनी ये दुनिया। मम्मी मम्मी मम्मी, हमने कभी मां छोड़ के जाना। मम्मी मैं नहीं रह सकती। नहीं बेटे, नहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बस रवि, बस। मैंने उसे आगाह किया था, मैंने सिंघाल को आगाह किया था। मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर मिस्टर सत्यप्रकाश का केस फिर से खोलने जा रहा हूँ कि मिस्टर सत्यप्रकाश ने जेल में आत्महत्या नहीं की थी, उनकी हत्या करवाई गई थी। और मैं इन सफेद पोशों के काले कारनामों को सारा कच्चा चिट्ठा कल अदालत में खोल कर रख दूंगा पूरे सबूतों के साथ। नहीं, ये नहीं हो सकता। रवि के पास हमारे खिलाफ जो भी सबूत हैं वो खत्म होने चाहिए। सिंघाल साहब, हमने तो रवि का पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन हमारे फाइलें, हमारे कागजात, कॉपीज सब गायब है। कहीं हमारा नक्शा न पलट जाए। करण भैया ने पुलिस की हिरासत से भागकर अच्छा नहीं किया, खतरा और बढ़ गया है। हाँ खतरा तो बढ़ गया है,
क्योंकि रवि वर्मा करण के पिताजी का केस फिर से खुलवा रहा है ताकि उन्हें झूठे कलंक से मुक्ति मिल जाए। अगर ऐसे में कहीं करण नहीं नहीं अगर करण का सामना रवि से हो गया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चल जल्दी रवि। मैंने कहा था ना वकील, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं करण, मार डालो मुझे मारकर तुम अपनी पिता की मौत का बदला तो जरूर ले लोगे, लेकिन मेरी वजह से जो दाग उनके चरित्र पर लगा है वो तो वहीं मिटेगा, उसी अदालत में जहां वो लगा था। क्या तुम मुझे चंद घंटों की मोहलत नहीं दे सकते कि मैं वहां जाकर उन्हें बेगुनाह साबित कर दूं? उसके बाद तुम जो सजा मुझे देना चाहोगे ना, मैं उसे हंस के कबूल कर लूंगा। हां करण, रवि ठीक कह रहा है, यह अदालत में उन्हीं लोगों का भांडा फोड़ने जा रहा है जो तुम्हारे पिता की मौत के भी जिम्मेदार हैं, और वो लोग इसे अदालत तक पहुंचने नहीं दे रहे। चल अदालत, दुनिया की कोई भी ताकत तुझे अदालत पहुंचने से नहीं रोक सकती। चल! बस बस बस, रुक जाओ रवि बाबू, रुक जाओ। यहाँ तक आ गए, बहुत आ गए, अब इस रेखा को मत लांघना। एक रेखा ही तो लांगी थी सीता मैया ने, आधी रामायण दुखों में गुजर गई। तुम्हारी तो वैसे ही कष्टों में कट रही है, काहे को और दुखों को न्योता देते हो? हाँ लाओ, मुझे दे दो, लाओ। बात रामायण की करते हो और इतना भी नहीं जानते कि जब रावण को जलाया जाता है तो उसके साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ भी चलकर खाक हो जाते हैं। पता था मुझे, पहले से ही पता था कि अच्छी तरह से समझाने पर भी नहीं ना समझेंगे आप, इसलिए दूसरा बंदोबस्त भी किया हुआ है। हेलो, लीजिए सुनिए, अपनी पूजा बिटिया की प्यारी प्यारी आवाज सुनिए, सुनो। हेलो बेटा, छोड़ बच्ची को, कभी नहीं, अगर बच्ची को कुछ हो गया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को। पूजा रोती नहीं, अब यूँ समझ लो कि अदालत में जाके आपने बैग खोला नहीं, कि आपकी पूजा बिटिया आई है। हरामजादे, तू क्या समझता है कि तू मौत का नंगा नाच नाचेगा तो मैं डर के अपने इरादे बदल लूंगा? यू बास्टर्ड। नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मिलॉर्ड, कि आज कमिश्नर सत्यप्रकाश को चरित्रवान साबित करके मिस्टर रवि वर्मा क्या हासिल करना चाहते हैं, जबकि एक दिन खुद इसी अदालत में खड़े होकर इन्होंने कमिश्नर सत्यप्रकाश को रिश्वतखोर साबित किया था और हमने इनकी जोरदार दलीलों पर तालियां बजाई थी। काश आपने वो तालियां नहीं बजाई होती,
काश जिस दिन मैंने पहली बार झूठ को जिताया था और सच को हराया था, लोगों ने तालियों के बजाय मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। और अब तो ये आम बात है मिलॉर्ड कि झूठ बोलने वाले को ताली मिलती है और सच बोलने वाले को थप्पड़। और उस दिन यही हुआ था मिलॉर्ड, उस दिन मेरी झूठी दलीलों को सुनकर लोगों ने वाह वाह की थी और उस संत जैसे आदमी पर पत्थर मारे। और वो उधर जो मेरी मां बैठी हुई ना जज साहब, उसने मुझसे कहा था कि उस देवता को पत्थर मारने वाले हाथ लोगों के नहीं थे, मेरे थे। और उसने बिल्कुल ठीक कहा था जज साहब, ठीक उसी तरह जैसे सत्यप्रकाश जी का कत्ल फांसी के फंदे से नहीं हुआ था, उस कत्ल के असली मुजरिम वो थे जिन्होंने फंदे बनाने वाले हाथों को खरीद कर उनका खून करने के लिए भेज दिया। भाषण बहुत हो गया मिस्टर रवि वर्मा, अगर आपके पास कोई नाम है और उसके खिलाफ कोई सबूत है तो पेश कीजिए, वरना खामखा अदालत का वक्त बर्बाद मत कीजिए। हाँ है, मेरे पास हर वो सबूत है। लीजिए उनके सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा, मैं आज अदालत के सामने पेश करता हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं, सोच रहा हूं धर्म इंसाफ और सच्चाई की लड़ाई में गुरुओं ने भी अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था, देखता हूं आज उसकी अदालत में मेरी कुर्बानी क्या रंग लाती है। अदालत ले जाओ। यह अदालत शर्मसार है क्योंकि इस अदालत ने कमिश्नर सत्य प्रकाश जैसे नेक सच्चे ईमानदार इंसान के चरित्र पर दाग लगाया। हम उनके मरणोपरांत उनसे क्षमा याचना करते हैं और कबूल करते हैं कि कभी कभी कानून भी अपराधियों की चालाकी में उलझकर गलती कर बैठता है। अदालत ये हुक्म जारी करती है कि कमिश्नर सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में तेजेश्वर सिंगाल को फौरन हिरासत में लिया जाए और इन पर बाकी मामलों के मुकदमे चलाए जाएं। रवि पूजा और यू बास्टर्ड इंस्पेक्टर, आगे मत बढ़ना। आगे हट जाओ, जाओ हट जाओ। आगे से सिंगाल, पूजा को छोड़ दे। सिंगाल अपने आप को कानून के हवाले कर दो, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। होश करो मैं कहता हूं। हट जा, हट जा, हट जा, लड़की को गोली मार दूंगा। हट जा। इंस्पेक्टर बंदूक फेंक दे और अपने आदमियों से कह दे कि मैं
चलिए करण भैया, मेरा हिसाब फिर भी तुझ पर बाकी है वकील। हाँ मुझे याद है, लेकिन इसके लिए तुम्हें जेल से छूट के आना पड़ेगा। और तू क्या समझता है, कानून मुझे छोड़ देगा? नहीं। हाँ छोड़ भी सकता है, बशर्ते तुम्हें कोई अच्छा सा वकील मिले। तू लड़ेगा मेरा केस? नीले नैनों वाला तेरा कटी कबूतर, ओ पिए इश्क दा प्याला, लूट तुम्हारे से चोरी चोरी चुपके कैसा जादू डाला। तेरा लकी कबूतर, हाय हाय तेरा लकी कबूतर, ओ नीले नैनों वाला तेरा लकी कबूतर। मेरी खुल गई पटक दिनी अख जी गली दे विचों, कौन लंगेया किते होई ना होवे हो जिदा शक जी गली दे विचों, कौन लंगेया ओदी अड्डी वजे सीने ठक ठक नी गली दे विचों।